इसे देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि यह क्या है। बिल्कुल सही पहचाना, यह टेलीविजन ही है। तो बच्चों, मैं गीता तिवारी आज आप लोगों को टेलीविजन के बारे में कुछ नई एवं रोचक जानकारी देने जा रही हूँ। आप सभी कोई अपना ज़्यादा समय टेलीविज़न पर कार्टून देखने में या फिल्म देखने में बिताना पसंद करते हो, परंतु आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया का ज्ञान, चलते फिरते चित्र, लोगों की आवाज़ें इस बॉक्स में कहाँ से आ जाती हैं? सच में वह व्यक्ति कितना महान होगा जिसने हमारे मनोरंजन के लिए एवं हमें दुनिया से जोड़ कर रखने के लिए इस टेलीविज़न का आविष्कार किया। दूर संचार के द्वारा हम किसी की बात को तो सुन सकते थे, लेकिन बात सुनने के साथ चित्र देखने की कामना ने टेलीविज़न बनाने की इच्छा को जन्म दिया। तो अब हम जानते हैं कि टेलीविज़न या दूरदर्शन का आविष्कार किसने और कैसे किया। टेलीविज़न की खोज इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक ने की थी, जिनका नाम था जॉन लॉगी बेयर। इनका जन्म ग्लासगो के निकट एक छोटे से शहर में हुआ था। वह भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए उसके माँ बाप, भाई बहन उसे बहुत प्यार करते थे। जॉन शरीर से कमज़ोर थे। जॉन के स्कूल में लड़कों ने फोटोग्राफी का एक क्लब बना रखा था। यह क्लब अच्छी तस्वीरों की प्रतियोगिताएं करवाता था, इसीलिए जॉन इस प्रतियोगिता में शामिल हो गया और इनाम पाने लगा। जॉन को बचपन से ही तस्वीर बनाने और उस तस्वीर से बातें करने का बहुत शौक था। जब वह रेडियो पर गाना सुनता तब सोचने लगता, काश बोलते हुए इस आदमी के तस्वीर को भी मैं देख पाता। वह इसी धुन में हमेशा खोया रहता था। एक बार जॉन ने अपने दोस्त से बात करने के लिए अपने हाथों से टेलीफोन बनाया और टेलीफोन के तार अपने दोस्त के घर पहुंचाकर बड़े आराम से बात करता रहा। एक दिन तूफान आने से उसके तार टूट गए। तार टूटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और उसे अपने तार को हटाना पड़ा। इसके बाद वह निराश हो गया क्योंकि वह अपने दोस्त से बात नहीं कर पा रहा था। एक बार की बात है, जॉन कहीं जा रहा था, अचानक उसने गाने की आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि किसी पास के घर से रेडियो पर गाना चल रहा है। उस गाना को सुन जॉन ने सोचा कि हवा के तरंगों से आवाज
इतनी दूर जा सकती है तो क्या इन्हीं तरंगों पर एक जगह से दूसरी जगह तस्वीर नहीं जा सकती? उसी समय उसने निश्चय कर लिया कि वह हवा की तरंगों पर तस्वीर भेज कर रहेगा। उसके बाद वह रात दिन इस कार्य के लिए नए नए प्रयोग करने में जुट गया। जॉन ने एक दिन खाली बॉक्स, कपड़ा सिलने की सुई, चॉकलेट का खाली डिब्बा, साइकिल की लाइट की मोटी कांच, कुछ बैटरियां, तार और बहुत सा मोम इकट्ठा किया। उसके बाद बिजली से चलने वाला एक मोटर खरीदा और इन सभी वस्तुओं को लेकर प्रयोग करने लगा। जॉन ने कुछ दूरी पर पर्दा लगाया। प्रयोग करते करते उसे एक दिन पर्दे पर तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन वह तस्वीर साफ नहीं थी। जॉन ने अब अधिक तेज प्रकाश के लिए बहुत सारी बैटरियों को तार से जोड़कर प्रयोग करना आरंभ किया। अब उसे तस्वीरें कुछ साफ दिखाई देने लगी। वह नित्य प्रयोग करता रहा, परंतु उसके मकान मालिक को उसका प्रयोग करना पसंद नहीं आया, इसलिए वह लंदन आकर रहने लगा और अपने प्रयोग में फिर से जुट गया। जॉन ने पुतली बनाई और कैमरे के आगे रख दी। दूसरे कमरे में जाकर उसने पर्दा लगाया। मशीन शुरू करने पर पुतली की तस्वीर पर्दे पर आ गई। यह देख जॉन बहुत खुश हुआ। अब वह चलती फिरती तस्वीर लाने के लिए एक छोटे लड़के को लाया और कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और दूसरे कमरे में चला गया। उसने देखा वहां पर्दे पर कोई तस्वीर नहीं है। वह लौटकर आया तो देखा वह लड़का रोशनी से दूर खड़ा है। उसने लड़के को समझाया और अब उसे रोशनी में खड़ा रहने के लिए कहा। जॉन अचानक उछल पड़ा, नाचने लगा, क्योंकि दूसरे कमरे में पर्दे पर लड़के की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसकी जानकारी जॉन ने कई मशहूर वैज्ञानिकों को दी। यह देख वे सभी बहुत खुश हुए। पत्रकारों और अखबार की मदद से इस आविष्कार को जॉन ने दुनिया को बताया। सबसे पहले जॉन सादी तस्वीर वाला टेलीविजन बनाने में सफल रहा। बाद में वह रंगीन तस्वीर लाने में भी कामयाब हो गया। जॉन के इस महान आविष्कार को दुनिया कभी भी भूल नहीं सकती है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि यदि इंसान कुछ चाह दे तो इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस हमें हिम्मत रखनी चाहिए और कुछ भी कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। जॉन अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही इतना बड़ा आविष्कार कर दिखाया। इन सभी के साथ इंसान की अपनी एक सोच भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी कोई सोच नहीं होगी तब तक हम उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे।
अब मैं टेलीविजन के बारे में आप लोगों को कुछ और रोचक जानकारी देने जा रही हूँ। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर ने 1925 में लंदन में किया था। इसके बाद दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविजन का निर्माण 1927 में हुआ। वेयर ने कलर टेलीविजन का आविष्कार 1928 में किया था। भारत में टेलीविजन के प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविजन की सेवा शुरू हो पाई थी। भारत में कलर टेलीविजन और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास से ही शुरू होती है। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, उस समय का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया दिया गया। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। अब मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार एवं उनके नामों को बताना चाहती हूँ। जैसे टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स वेवेज ने किया। रेडियो का आविष्कार गुग्लियेल्मो मार्कोनी ने किया। अब मैं यहीं पर इस पाठ का अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली होगी और भविष्य में आप लोग भी इस तरह के आविष्कार करने के लिए प्रेरित हुए होंगे। धन्यवाद।